नमस्कार, मैं शिवानी बिहारी न्यूज में आप सभी का स्वागत करती हूँ। और आज के इस वीडियो में हम बात करेंगे खास तरह की सब्जी बरबट्टी के बारे में। पल्लीदार सब्जियों में बरबट्टी का एक प्रमुख स्थान है। यह लॉन्ग बीन्स के नाम से भी जाना जाता है। इसे गर्मी और बरसात दोनों मौसम में उगाया जाता है। इसका प्रयोग दाल और हरी फलियों की सब्जी के रूप में किया जाता है। यह प्रोटीन का अच्छा स्रोत है। आज के इस वीडियो में मैं आपको बरबट्टी खाने के फायदे विस्तार से बताऊंगी। बरबट्टी खाने से ब्लड कोलेस्ट्रॉल लेवल कम होता है, जिससे आपको दिल की बीमारियां होने का खतरा काफी कम हो जाता है। इसमें पोटेशियम, मैग्नीशियम जैसे फ्लेवोनॉइड्स के अलावा लिजनिन भी पाया जाता है, जिस वजह से दिल की बीमारियों को दूर करने में फायदेमंद होता है। बरबट्टी में बहुत कम मात्रा में कैलोरी पाई जाती है, इसलिए वजन कम करने वाले लोगों के लिए यह फायदेमंद साबित होगा। डाइट्री फाइबर का अच्छा सोर्स माना जाता है, जिससे आपका पेट लंबे समय तक भरा भरा हुआ महसूस होता है और आप ओवर ईटिंग करने से बच जाते हैं, इसलिए वजन कम करने में भी सहायक होगा। ग्लाइसेमिक इंडेक्स दूसरी खाने वाली फलियों और दालों के मुकाबले कम होता है। जिन खाद्य पदार्थों में ग्लाइसेमिक इंडेक्स कम पाया जाता है, वह चीज़ें ब्लड शुगर लेवल को नॉर्मल बनाए रखने में मदद करती है। इसलिए डायबिटीज के रोगियों के लिए बरबट्टी जरूर खाना चाहिए। बरबट्टी में प्रोटीन और फाइबर भरपूर मात्रा में पाया जाता है, जो पेट पर अच्छा प्रभाव डालता है। और फाइबर पाए जाने के कारण यह पेट की बीमारियों को दूर रखता है और पेट को आराम पहुंचाता है। इसे खाने से पाचन तंत्र मजबूत बनता है। बरबट्टी खाने से स्किन के रिपेयर होने में मदद मिलती है, जिससे स्किन हेल्दी बनी रहती है। इसमें एंटीऑक्सीडेंट, विटामिन ए और सी पाए जाते हैं, जो स्किन को फ्री रेडिकल सेल से बचाते हैं और उससे हुए नुकसान को भी खत्म करते हैं। इसमें विटामिन ए और एंटीऑक्सीडेंट पाए जाते हैं, जो शरीर को कई प्रकार की बीमारियों से बचाते हैं। यह शरीर को स्वस्थ रखने में बहुत ही फायदेमंद होता है, क्योंकि यह शरीर से कई प्रकार के जहरीले तत्वों को बाहर निकालने में मदद करता है। आज के वीडियो में बस इतना ही। फिर मिलेंगे नई वीडियो में नई जानकारी के साथ। और आशा करते हैं कि बरबट्टी से संबंधित हमारा यह वीडियो आपको अच्छा लगा होगा। अगर आप किसी विषय पर हमसे कुछ और पूछना चाहते हैं, तो हमें आपके सवालों के जवाब देने में खुशी होगी। आप हमें अपने सवाल कमेंट बॉक्स में लिख सकते हैं। धन्यवाद।